के स्पीसीज इतने पेटू होते हैं कि वो अपने प्लैनेट तक को भी खा जाते हैं। क्या हमारा ये छोटा सा एलियन इतने बड़े सूरज को निगल सकता है? बात सिर्फ बड़े साइज की नहीं है, क्योंकि सूरज के सत्ते का टेम्परेचर है 9941 डिग्री फारेनहाइट। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए तो होगा 5600 सेल्सियस, और सूरज के अंदर यानी उसके कोर का टेम्परेचर है 27 मिलियन डिग्री फारेनहाइट। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए तो 15 मिलियन सेल्सियस। इसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि एक बार अपचक ने सब एनर्जी पार्टिकल को निगल लिया था, जिसे खाने के बाद वो पूरी तरह फूल गया था। उसने पूरा ब्लास्ट आसमान की ओर किया था, पर माउंट रसमोर के मॉन्यूमेंट्स नष्ट हो गए थे, पर अपचक के ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ था। गाइस, सब एनर्जी पार्टिकल कोई आम चीज नहीं है, ये सूरज से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। 20 गुना ज्यादा पावरफुल मतलब सूरज तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या अपचक सूरज को निकलने का कैपेबल है? और आप लोग सोचेंगे कि सूरज से 20 गुना पावरफुल चीज को खा लिया, मतलब 20 सूरज को खा लिया, तो क्या एक सूरज को भी आराम से नहीं खा पाएगा? कुरु को दोस्तों इतना जल्दी भी क्या है, वो सॉप एनर्जी पार्टिकल पूरी तरह एंक्लोज था, मतलब किसी चीज से ढका हुआ था, इसलिए अपचक ने उसे आसानी से निकल लिया। पर सूरज को निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी क्रिएचर या मशीन आज तक सूरज के सत्ते पर पहुंच नहीं पाया है। सूरज के पास पहुंचने से पहले ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सो जेन्युइनली अपचक सूरज को नहीं निकल पाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।